Assalamu alaikum student, I am Rani, your science teacher. I hope you will be well in your home and will continue to study well, and online classes that principal ma'am has started would have taken good advantage of it. Today I start with the first chapter of science, crop production and management. So let's start. In this chapter, we discuss agriculture practice, protection from weeds, crop production and storage. We know that food is main source of energy and nutrition for all living organisms, including human beings. We get food for plant and animals. Means food हमारे ज़िंदगी का एक खास अहम हिस्सा है. Without food हम नहीं रह सकते हैं. जिस तरह से कोई भी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. और वो फूड आता है या तो प्लांट से या तो फिर एनिमल्स से. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि बढ़ते हुए इतनी जनसंख्या के बावजूद हर कोई को फूड प्रोवाइड हो सके और वे अपना अच्छा ज़िंदगी जी सके. सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फसल क्या होता है. व्हाट इज़ क्रॉप? व्हेन प्लांट ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रो एंड कल्टिवेट एट द वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप. कहने का मतलब है एक बहुत बड़े जगह में, है ना, एक ही तरह के अगर हम प्लांट को ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो कहलाता है क्रॉप. वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रॉम क्रॉप्स. यानी कि क्रॉप से हम अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स, बहुत सारे चीज़ पैदा कर सकते हैं, उपजा सकते हैं. वी ऑल्सो गेट पल्सेस, ऑयल सीड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट्स, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा फ्रॉम द प्लांट. यानी कि हमें पल्सेस यानी कि दाल हुआ, तेल, सनफ्लावर, ग्राउंड फ्लावर, टी, कॉफ़ी, हर एक चीज़ प्लांट से मिलती है. जितने भी, जैसे आपको अगर सोचते होंगे कि हम अनाज खा रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है कि ये अनाज आया कहाँ से? तो ये अनाज का प्रोडक्शन हुआ है, उसको खेतों में उगाया गया है, उसके बाद हमारे पास आया है, जिसको हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो क्लियर. अब हम बात करेंगे कि फूड है उसको किस तरह से उगाया जाता है और किस किस माह में किस किस फसल को, किस तरह के फसलों को उगाया जाता है. तो बात करेंगे खरीफ क्रॉप का, यानी कि खरीफ फसल. ये खरीफ फसल कब उगाया जाता है? तो ये जनरली रेनी सीजन में उगाया जाता है, मतलब कि बरसात के दिनों में. ठीक है, तो इसके दिन में क्या ये कंटिन्यू होता है, स्टार्ट होता है जून से और कंटिन्यू टिल सितंबर. यानी कि जून से स्टार्ट होते लगभग सितंबर मास तक ये फसल को उगाया जाता है. ये डिपेंड करता है मानसून रेन पर ग्रोथ के लिए. एग्जांपल के लिए हो गया राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन एक्सेट्रा. यानी कि खरीफ फसल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? खरीफ फसल के एग्जाम्पल है चावल, गेहूं, सोयाबीन, बादाम, कॉटन प्लांट एक्सेट्रा. अब हम आते हैं रबी फसल के बारे में. ये रबी फसल क्या है? रबी क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी कि ठंडे के दिन में, विंटर सीजन में जो फसल को उगाया जाता है वो फसल कहलाया रबी फसल. जनरली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड हार्वेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल. यानी कि ये नवंबर महीने में स्टार्ट होता है और फिर इसको काटते हैं, या फिर इस फसल पूरी तरह से पक जाते हैं कब? अप्रैल माह में. सच क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन. लेकिन इसमें से अधिकतर जितनी फसल होते हैं वो मानसून रेन पर आधारित नहीं होती है. तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमको इसके बीच डिफरेंट बताना होगा, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट ये हो सकता है कि खरीफ फसल है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है, रबी फसल है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है. जनरली खरीफ फसल जून से सितंबर तक रहता है, और उसी तरह से अगर हम बोले कि रबी फसल
हाँ, नवंबर से अप्रैल तक रहता है। इसके एग्जांपल खरीफ फसल के एग्जांपल होंगे राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, और रवि फसल के एग्जांपल होंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड्स एंड एक्सेट्रा। बिसाइड दोज पल्सेस वेजिटेबल आर ग्रोइंग ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। लेकिन पल्सेस और वेजिटेबल बहुत सारे समर में भी उगाए जाते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे ये चैप्टर में ही दिया गया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सो क्रॉप प्रोडक्शन तो हमको पढ़ना ही है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको प्रोडक्ट मतलब किस तरह से इसको उगाया जाता है, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना, सोइंग ऑफ सीड, सीड को अच्छे क्वालिटी के जो सीड है उसको सेलेक्ट करना, और दूसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ आदि का प्रयोग करना, इरिगेशन यानी कि अच्छी तरह से जोतना, मिट्टी को तैयार करना एकदम अच्छे से, उसमें क्यारी वगैरह बनाना। फिर आता है प्रोटेक्टिंग यानी कि प्रोटेक्ट करना उसे, हार्वेस्टिंग यानी कि हार्वेस्ट करना, स्टोरेज हर एक चीज़ होने के बाद, यानी कि मिट्टी तैयार हो गया, सीड सेलेक्ट हो गए, अगर कुछ कीटनाशक अगर उसे ख़राब कर रहे हैं सब्जियों को या फसल को, तो उसमें फर्टिलाइज़र मैनवर आदि ऐड किए, उसके बाद उसके अच्छी तरह से देखभाल किए, उसको सिंचाई किए, प्रोडक्टिंग किए। फिर हार्वेस्टिंग यानी कि हम उसकी कटाई करें, और कटाई करने के बाद सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टोरेज। अगर हम पूरी तरह से फसल को तैयार कर लिए, अगर उसकी स्टोरेज में ही अगर हमें गलती हो गई तो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम धान पूरी तरह से तैयार कर लें, उसकी कटाई भी अच्छी तरह से कर लिए, और अगर हम सही जगह में इसको स्टोरेज नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जस्ट लाइक चूहे, तो ये सब क्या करेंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे, तो हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो सकता है। तो स्टोरेज ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग द प्लांट, यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है तो वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को अच्छे तरह से उपजाना, जोतना, और जितने भी मिट्टी में कितनी उपजाऊ शक्ति है, किस चीज़ की कमी है, किसको ऐड करना है, ये सब मिट्टी तैयार करने में आती है। इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए कि ह्यूमस जो कि मिट्टी के सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, किसी भी खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जिस खेत में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है प्लोइंग ऑफ सॉइल डन बाय प्लाउ। प्लाउ द मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन समटाइम लेड इज द वेरी लार्ज एंड ट्रैक्टर यूज्ड टू प्लोइंग ऑफ फूड आई मीन फील्ड। फिर हम बात करेंगे सीड की, सोइंग ऑफ सीड, यानी कि सीड को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन द कल्टिवेशन। गुड क्वालिटी सीड कैन गिव ओनली गुड क्रॉप, देयरफॉर सोइंग अप आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, यानी कि अच्छे सीड को कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम मिट्टी अच्छे से तैयार करेंगे और अगर बीज ही सही से नहीं बोएंगे तो फसल, जाहिर सी बात है फसल खराब ही होगी। सो सोइंग ऑफ सीड इज वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक एडिंग मैनवर्स एंड फर्टिलाइजर का डिस्कस हम पार्ट 2 में करेंगे।